नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर सप्ताह एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से हाजिर हुआ आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके। ये वीडियो, मेरा रिक्वेस्ट है आप अंत तक जरूर से देखें, इसमें आपके काफ़ी सारे सवाल के आपको जवाब मिल जाते हैं। और अगर ये वीडियो देख के आपको पसंद आता है तो जरूर से जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना या शेयर करना ना भूलें। आगे भी हम लोग ऐसे वीडियो देते रहेंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, हर एक बच्चे का एक ख्वाहिश होता है, पेरेंट्स का ख्वाहिश होता है, अगर वो बी ग्रुप ले रहा है ट्वेल्थ में तो वो MBBS डॉक्टर ही बनना चाहता है, दूसरा कोई चॉइस या सिलेक्शन नहीं होता है उस टाइम पे। लेकिन हमको पता है कि MBBS की सीट्स इंडिया के अंदर बहुत कम है, तो उसकी वजह से कॉम्पिटिशन लेवल भी बहुत ज़्यादा है। हम सबको मालूम है कि 2020 के अंदर करीबन 18 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं और सीट जो है MBBS के लिए पूरे इंडिया में अवेलेबल गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिला के वो करीबन 80 या 81,000 के आसपास सीट्स है, जिसके अंदर 50% सीट गवर्नमेंट है ऑलमोस्ट, और बाकी की जो प्राइवेट है उसकी 50% सीट NMC के न्यू रूल के हिसाब से गवर्नमेंट फिलअप करने वाली है, और 50% सीट है वो यूनिवर्सिटी खुद से फिलअप करने वाली है। मीन्स इस साल वहाँ पे करप्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अलग टाइप के करप्शन लेवल यहाँ पे मौजूद है जो कि हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते इंडिया के अंदर। हम लोग आज सिर्फ इंडिया की बात नहीं, अब्रॉड के भी इतने बड़े लेवल के करप्शन की हम लोग आपको जानकारी देंगे जो आपको शायद पता ना हो। इंडिया के अंदर हम लोग बात करें तो कई लोग ऐसे आपको कॉन्टेक्ट करते हैं कि नीट के एग्जाम के अंदर भी हम लोग आपको स्कॉलर करवा देंगे, तो आपको वहाँ पे पैकेज देना पड़ेगा, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी अगर आपको इतनी मिलती है तो उसके लिए इतना पैकेज रहेगा, प्राइवेट अगर मिलती है तो प्राइवेट के लिए इतना पैकेज रहेगा। आप वहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको डिसीजन क्या लें, और कई बार आपके पास अगर पैसा अवेलेबल है तो आप वहाँ पे पैसा खर्च भी कर डालते हो, लेकिन बाद में जब रिजल्ट जीरो आता है उसके बाद आपको पछताने की बारी आती है, क्योंकि इसके खिलाफ आप कंप्लेन भी जल्दी नहीं कर पाते हो, वहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आपको बताएंगे कि आपके बच्चे की जगह पे दूसरे बच्चे को हम लोग बिठाएंगे एग्जाम के लिए, ये वो, बहुत बड़े बड़े लेवल के स्कैम चलते रहते हैं यहाँ पे, जो कि आप कभी एज्यूम भी नहीं कर सकते हो, और ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। हर एक जगह पे बायोमेट्रिक लगा हुआ है, बायोमेट्रिक सेंसर होता है, मिलिट्री वाले आपके बच्चे को बाहर चेक कर रहे हैं, उसका फोटो मैच कर रहे हैं, ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, तो इन सब चीज़ों से बचे रहिए। हम हर बार ये चीज़ बोलते रहते हैं पेरेंट्स को कि इंडिया में एडमिशन अगर आपको चाहिए तो बच्चा स्कॉलर होगा, या फिर आपके पास काफ़ी सारे रुपये रहेंगे तो ही आप वहाँ पर इंडिया में एडमिशन ले पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है। ये यहाँ पे इजी नहीं है कि पैसों से आप हर चीज़ खरीद सकते हो, पहले जैसा नहीं रहा है माहौल। लेकिन कई बार पेरेंट्स को क्या होता है, बच्चों की खुशी के खातिर या पेरेंट्स अपनी खुद की खुशी के खातिर कि अपना बच्चा डॉक्टर बन जाए, वो खुशी पाने के लिए जिस पेरेंट्स के पैसा है वो खर्च कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं लगती। जिस पेरेंट्स ने एक एक रुपया जोड़ के अपने पूरे लाइफ की पूंजी जमा की हुई है, पूरे लाइफ उसके ऊपर डिपेंड है, और वो पेरेंट्स का अगर सब पैसा चला जाता है तो वहाँ पे उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ सकती है। यहाँ पे पेरेंट्स को सिर्फ मायूस नहीं करती ये चीज़, यहाँ पे बच्चे का पूरा लाइफ का मोरल डाउन कर देती है, बच्चों का जो जज्बा होता है डॉक्टर बनने का वो भी वहाँ पे चला जाता है। तो ऐसी सब फ्रॉड चीज़ों से बचे रहिए, हम बार यही एडवाइस देते हैं। यही चीज़ें हम ऐसा नहीं बोल रहे सिर्फ इंडिया में, अब्रोड में भी काफ़ी बड़े लेवल के फ्रॉड होते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स उससे अनजान होते हैं। तो अब्रोड में किस किस टाइप के फ्रॉड होते हैं वो आज हम लोग यहाँ पे आपको जानकारी देंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे जब अब्रोड में जा रहे हैं, सबसे पहला आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कंट्री आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके कुछ पहलू होते हैं, वो आपको जान लेने ज़रूरी है, उसके बिना कभी भी डिसीजन मत लीजिए। एक एक करके पहलू हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ। सबसे पहला जो बात आता है वो आता है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो भी कंट्री के अंदर आप जा रहे हो वो कंट्री के अंदर पढ़ाई जो होती है वहाँ पे उसकी खुद की लैंग्वेज में भी होती है, बायलिंगुअल भी अवेलेबल होती है, और वहाँ पे इंग्लिश में भी अवेलेबल होती है। अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग टाइप की सिस्टम अवेलेबल है, हर एक सिस्टम को समझना ज़रूरी है। जैसे चाइना है तो चाइना के अंदर वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई करने वाली यूनिवर्सिटीज भी है, और चाइनीज़ पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटीज भी, और बायलिंगुअल वाली भी यूनिवर्सिटी है। सिमिलर चीज़ रशिया में भी है।
तो ये चीज की जानकारी आपको ना होते हुए कई बार आप एडमिशन ले लेते हो सस्ते वाली यूनिवर्सिटी सोच के, लेकिन वहां पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे तो दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, या तो कई जगह पे बायलिंगुअल होता है, दैट मींस 3 साल इंग्लिश होता है, 3 साल वहाँ की लोकलाइज लैंग्वेज होती है, या फिर 4 साल इंग्लिश और 2 साल वहाँ पे लोकलाइज लैंग्वेज होती है, तो वो चीज़ आपको पता नहीं चलती है। तो इस चीज़ से पहले आपको बचना ज़रूरी है। सबसे पहली जानकारी ये ले लीजिए वो यूनिवर्सिटी आपको कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई जाएगी। हर एक कंट्री का एक डिटेल वीडियो हम लोग आगे बताएंगे आपको, उसके अंदर आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो ये हमारी चैनल से आपको जुड़े रहना ज़रूरी है उसके लिए। इसके बाद अगर लैंग्वेज के बाद बात करते हैं तो बात आती है ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी। अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग ड्यूरेशन होता है, जैसे इंडिया के अंदर 4.5 ईयर्स का MBBS है, 1 साल का इंटर्नशिप है, 1 साल का आपको विलेज के अंदर प्रैक्टिस करना पड़ता है। वैसे ही रशिया के अंदर अगर आप बात करेंगे तो 6 साल का है, यूक्रेन के अंदर 6 साल का है, कजाकिस्तान में 5 साल का है, किर्गिस्तान में 6 साल का है लेकिन प्रमोट किया जाता है 5 साल के हिसाब से। लाइक दैट जॉर्जिया के अंदर और आर्मेनिया के अंदर भी 6 साल का ही, लेकिन लोग बताते हैं आपको 5 साल का। वैसे ही फिलीपींस के अंदर अगर बात करेंगे तो 5.8 ईयर्स का होता है, वहाँ पे 1.8 ईयर्स का आपका BS होता है और 4 ईयर्स का आपका MD होता है, उसके बीच में एक एग्ज़ाम भी आती है जिसका नाम NIT है। वैसे ही अगर आप कैरेबियन की बात करेंगे तो कैरेबियन के अंदर 3.5 साल और दूसरे 3 साल 6.5 साल करीबन ड्यूरेशन आपका लग जाता है। तो डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट एजुकेशन ड्यूरेशन रहता है MBBS के लिए, जो आपको पहले समझना जरूरी है, वहाँ पे आपका बजट डिपेंड करता है। आपको अगर मैं 5 साल का बजट बता के दे दूंगा एडमिशन और 6ठे साल में खर्च आके खड़ा रहेगा, उस टाइम पे आपके पास पैसा ही नहीं होगा, तो आपको लोगों से भीख मांगने की नौबत आके खड़ी हो जाएगी। तो कभी भी पैकेज काउंट करते हो 6 साल के हिसाब से, जो यूनिवर्सिटी उसका 6 साल के हिसाब से ही काउंट करें, और वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके पता कीजिए कि वहाँ पे सिलेबस कैसे चलता है। कोई आपको 5 साल बताता है उसके ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो बात आती है खाने के बारे में। लोग आपको यहाँ पे डिफरेंट वैराइटीज़ फ़ोटो दिखाएंगे, भाई यहाँ पे ये मेस अवेलेबल है, यहाँ पे ये फूड अवेलेबल है, साउथ इंडियन अवेलेबल है, नॉर्थ इंडियन अवेलेबल है, जैन अवेलेबल है, गुजराती अवेलेबल है, डिफरेंट काइंड की फूड की आपको लालच दी जाती है। पेरेंट्स भी वहाँ पे खुश हो जाते हैं कि चलो बच्चे को खाने की दिक्कत नहीं आएगी, तो वहाँ पे भेज देते हैं। पेरेंट्स वहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं सोचते, वहाँ पे खाने की बात सोचते हैं। एज ए सॉफ्टामो एजुकेशन हम लोग कभी भी फूड कमिट नहीं करते। हाँ, मेस वहाँ पे अवेलेबल होती है लेकिन इट्स ए सेकेंड थिंग, उसके ऊपर हम लोग कभी भी बाहर नहीं देते कि मेस वहाँ पे अवेलेबल है तो उसको प्रायोरिटी दीजिए। मेस इज अ डिफरेंट पार्ट, खाने की चीज़ आपको खुद को खाना पकाना चाहिए, तभी आप इंडिया के बाहर, या मैं तो इवन बोलता हूँ स्टेट के बाहर भी आप अगर जा रहे हो एडमिशन ले रहे हो तो आपको खुद को खाना पकाना आना चाहिए, क्योंकि पंजाबी वाले को साउथ इंडियन भोजन पसंद नहीं आता है और साउथ वाले को पंजाबी खाना पसंद नहीं आता है। ये अपने को मालूम है, हर एक का टेस्ट अलग अलग रहता है, तो मैथ्स के अंदर कोई अलग अलग वहाँ पे कुक नहीं होता है, एक ही कुक होता है जो सब पका के खिलाता है वहाँ पे, तो वो आपको 2 दिन या 3 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद आपको खुद को अच्छा नहीं लगता है। तो मैथ्स को कभी भी प्रायोरिटी मत दीजिए, खुद को खाना पकाना आना ज़रूरी है जब आप अब्रॉड के अंदर जा रहे हो। फूड के अलावा अगर बात करें तो बात आती है एकोमोडेशन के बारे में, यानी कि रहने के बारे में। हॉस्टल जो रहता है, कई बार ऐसा बोला जाता है गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है वहाँ पे, तो ये चीज़ें गलत होती है। हर एक जगह पे फैसिलिटी नहीं होती, बहुत रेयरली ये चीज़ अवेलेबल होती है। अदरवाइज एक फ्लोर के अंदर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो लेफ्ट साइड पे बॉयज़ होते हैं, राइट साइड पे गर्ल्स होती है, या तो फिर फ्लोर डिवाइड होते हैं कि नीचे वाले फ्लोर पे लड़कियाँ रहेगी तो ऊपर वाले फ्लोर पे लड़कियाँ लड़के रहेंगे। दोनों के बीच में वहाँ पे डिस्टेंस होता है, वहाँ पे कैमरेज लगे होते हैं, सिक्योर वेल इक्विप्ड होता है पूरा हॉस्टल। मीन्स वहाँ पे कभी भी वो आप जो सोच रहे हो वो मेंटालिटी से सोचिए मत। गर्ल्स और हॉस्टल जो बॉयज़ हॉस्टल होता है, इवन आप इंडिया के अंदर जाएंगे तो इंडिया के अंदर NRI हॉस्टल के अंदर कभी भी मैंने आज तक कोई भी यूनिवर्सिटी में बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल अलग दिखा नहीं है। अगर हम लोग इंडियन लोग ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे फॉरेनर को, तो फॉरेनर अपने को कहाँ से देने वाले, उनके बाद वो जो कल्चर ही नहीं है। तो ये चीज़ों से आप बचे रहिए कि ये भी आपको कई बार जा से दिए जाते हैं। अगर हॉस्टल की बात करें तो कई बार ये चीज़ भी अपने को देखने की ज़रूरत है कि हॉस्टल से यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कितना है, हॉस्टल से शॉपिंग मॉल वगैरह कितना दूर है, सिटी सेंटर कितना दूर है। चाइना को छोड़ के बाकी कोई भी कंट्री के अंदर हॉस्टल कैंपस के अंदर नहीं होता है। सब लोग आपको बताते हैं लेकिन वो गलत चीज़ है। कई बार हॉस्टल वहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से ज़्यादा भी होता है, तो वहाँ पे कई बार बच्चे पैदल भी चले जाते हैं, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे तो उसका एक्सपेंस भी आपका बढ़ जाता है, जो कि आपको यहाँ पे बताया नहीं जाता है। आप अगर रशिया, यूक्रेन या कजाकिस्तान की बात करेंगे तो हॉस्टल नज़दीक में नहीं होते हैं, हॉस्टल दूर भी होते हैं,
और वहाँ पे कई बार बच्चे फर्स्ट ईयर के बाद हॉस्टल छोड़ के वहाँ पे प्राइवेट अपार्टमेंट भी रहते हैं, तो कितना दूर आपको अवेलेबल हो रहा है, सिटी से कितना दूर है, वो सब चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी इवन कितना सिटी से दूर वो आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है बात एफिलिएशन के बारे में। एफिलिएशन की अगर हम लोग बात करें तो जो यूनिवर्सिटी के अंदर आ जा रहे हो वो यूनिवर्सिटी को आपको MCA की वेबसाइट पर चेक करना ज़रूरी है। MCA का एफिलिएशन कहाँ से चेक किया जाएगा उसका वेबसाइट का लिंक हम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आपको डाल के देंगे। वैसे ही WHO के ऊपर भी आपको वेबसाइट चेक करना ज़रूरी है, जिसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे वहाँ पे भी वो लिंक अवेलेबल रहेगा। वैसे ही दूसरा एक रहता है ECFMG अप्रूवल। ECFMG किस लिए होता है? ECFMG जो बच्चे को US के अंदर अगर पढ़ाई करने जाना है या कनाडा के अंदर जाना है तो वहाँ पे एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करने से पहले वो यूनिवर्सिटी ECFMG है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ता है, क्योंकि उसकी एग्जाम देने से पहले ECFMG का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, आवश्यक है। वैसे ही एक अप्रूवल रहता है कैम एच पी होता है कैरेबियन का। आप अगर कैरेबियन के अंदर जा रहे हो तो कैरेबियन के अंदर ANC या फिर कैम एच पी अप्रूवल होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए आपको इंडिया के अंदर, वैसे ही कैरीकॉम करके एक बॉडी है, कैरीकॉम का जो खुद का अप्रूवल है उसको बोलते हैं कैम एच पी। विदाउट कैम एच पी आपको US के अंदर अलाउ नहीं किया जाता है। उसके बाद एक चीज़ हमने लास्ट ईयर से एक चीज़ बहुत बढ़िया देखी हुई है कंसल्टेंटों के द्वारा जो प्रमोट की जा रही है, वो है स्कॉलरशिप। पेरेंट्स लोग को ये चीज़ जान के, स्टूडेंट को भी ये चीज़ जान के सरप्राइज होगा कि स्कॉलरशिप लाइन की कोई भी चीज़ अब्रॉड की कोई यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं होती है, सिर्फ चाइना को छोड़ के। चाइना में भी ये स्कॉलरशिप होती है फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, कई की जगह पे फर्स्ट ईयर में अगर अच्छे बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं तो फर्स्ट ईयर में भी दी जाती है। उसको छोड़ के कोई भी कंट्री के अंदर स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। ये कंसल्टेंट लोग का खुद का रचा हुआ एक जाल है। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं कपड़े लेने के लिए तो 500 रुपये की चीज़ के ऊपर टैग लगा दिया जाता है 1000 रुपये का, और वहाँ पर 200 रुपये डिस्काउंट कर दिया जाता है। इस चीज़ आपको एंड ऑफ द डे महंगी ही पड़ती है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप कपड़े खरीदने या कोई ग्रोसरी खरीदने नहीं जा रहे, यहाँ पे आप बच्चे की लाइफ को प्लान करने जा रहे हो। तो यहाँ पे ऐसी सब लालच के अंदर मत फंसिए। कुछ लोग यहाँ तक का लालच देते हैं कि आपको बच्चे को 1 साल का फूड फ्री दिया जाएगा, 1 साल की किताबें फ्री दी जाएगी। सर जी, यहाँ पे आपको एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी है, खाने को और कपड़े पहनने को या उसकी ये सब चीज़ों को अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो आपसे ऐसे बताते हैं कि अगर आप 6 साल का फीस एक साथ पे करते हो वहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पूरा पैकेज आपका 20 लाख का हो रहा है लेकिन वो आपको पैकेज बनाएंगे 15 लाख, लेकिन वो 15 लाख आपको एक साथ देना पड़ता है। तो कई बार पेरेंट्स को ये चीज़ पता नहीं होती है। ऐसी कंपनियों के खिलाफ पहले भी केस दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हर साल नए पेरेंट्स उनके लिए नए ही होते हैं, तो उनको पुरानी चीज़ें मालूम नहीं होती है, पुराने पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट में नहीं होते, तो नए पेरेंट्स फंस जाते हैं हर बार, स्टूडेंट भी फंस जाते हैं। वो पैसे बचाने की होड़ के अंदर 15 लाख एक साथ देके वहाँ पे एडमिशन बुक करवा लेते हैं, लेकिन एंड में जाके 3 साल के बाद पता चलता है कि उसने फीस 2 ही साल की पे की हुई है, फिर से उनको फीस भरने की बारी आ जाती है। तो इसी फीस एक साथ भरने की होड़ से भी आपको बचना ज़रूरी है। कभी भी 1 साथ रुपया किसी को मत दीजिए। हर साल का पेमेंट जो होता है हर साल ही पे करना ज़रूरी है। हमने कुछ ऐसे भी डॉक्टर देखे हुए हैं जो लोग फॉरेन से खुद MBBS करके आए, यहाँ पे FMG क्रैक नहीं कर पाए, या कुछ कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जिनके ग्रुप में कोई डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चे को और पेरेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्री मेडिकल कोचिंग शुरू कर देते हैं। प्री मेडिकल कोचिंग से क्या होता है, बच्चे को जाने से पहले 2-3 महीने बिजी कर देते लोग। लेकिन क्यों? क्योंकि बच्चा दूसरा कोई इंक्वायरी कोई दूसरी जगह पर जाके कर ना पाए और उनका जो भी है पोल खुल ना जाए यहाँ पे। ऐसे भी बच्चों को और पेरेंट्स को गुमराह किया जाता है। पेरेंट्स को बच्चे को लगता है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं मान रहा हूँ अच्छा कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट बच्चा यहाँ पे पढ़ के जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ पढ़ाई जा रही है और वहाँ पे पढ़ाने वाले वो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। तो ऐसी लालच में भी फंसना एक बुरी बात हो जाती है, तो कभी भी ऐसी लालच से मत फंसिए। कुछ कुछ जो बड़ी कंपनियाँ हैं जो खुद को नंबर वन बताती रहती है गूगल पे या यूट्यूब के ऊपर खुद को, वैसी कंपनियाँ कई बार बच्चों को और पेरेंट्स के सर पे पहले ही साल में 3-4 लाख रुपए का बोझा डालने का काम करती है। वो बोलते हैं कि पहले ही साल से आप USMLE लेके चलिए तो आपके बच्चे का फ्यूचर अच्छा रहेगा, PG इंडिया में बहुत महंगा है, PG इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है, तो आप बच्चे को USMLE लेके यहाँ से दीजिए। जो बच्चे को मेडिकल का ABCD तक पता नहीं है उसके ऊपर पहले साल से USMLE थोप देना वो बहुत पागलपंती का काम हो जाता है पेरेंट्स के हिसाब से। तो कभी भी ऐसे लोगों के जासे में मत आइए। और ऐसे ये लोग जो यूट्यूबर है या गूगल के ऊपर जो लोग ऐड बताते रहते हैं वो ऑनलाइन मीडिया का गलत यूज़ करके गलत काम में आगे निकल रहे हैं। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई जर्मन लैंग्वेज सीख लीजिए तो PG जर्मनी से कर लीजिए। वहाँ पे क्या होता है,
बच्चा जर्मनी जाएगा तो जर्मन का पीजी इंडिया में वैलिड ही नहीं है, इंडिया आके क्या करेगा बच्चा, उसको शेंगेन में सेटल होना पड़ेगा, जो कि जर्मन के नए रूल के हिसाब से अपने डॉक्टर को वो लोग अलाउ भी नहीं करने वाले हैं, जो कि पेरेंट्स को और स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो वहाँ पे वो ऐसे बड़े चक्कर में फंस जाते हैं। कभी भी ऐसे बड़े चक्कर में मत फंसिए। लोगों का सिर्फ यूट्यूब के ऊपर प्रेजेंस है, यूनिवर्सिटी में वो कंट्री के अंदर उनका कोई नाम हो या वजूद नहीं है, वहाँ पे कहीं पे भी उनका खुद का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे इंडिया में आपको लूट के वहाँ पे ले जाके छोड़ने का काम करते हैं, फिर उसके बाद कोई भी केयर करने नहीं आता है वहाँ पे। दूसरा सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है वो कंट्री की एजुकेशन सिस्टम के बारे में किसी को ढंग से बताया नहीं जाता है। हर एक कंट्री का एक अलग अलग एजुकेशन सिस्टम रहता है, जो आपको जानकारी लेना ज़रूरी है यहाँ से जाने से पहले। अगर वो आपको पता होगा तो आपको आगे जाके दिक्कतें कम आएगी। जैसे वहाँ पे एग्जाम्स रहती है, फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर HSK4 है, फिलीपींस के अंदर MMAT है, US के लिए अगर जाएंगे तो MCAT है, यूक्रेन की बात करेंगे तो क्रॉक और आईफॉर्म का एग्जाम है, US के अंदर अगेन अगर आपको PG के अंदर एडमिशन चाहिए USM लिखकर ऑफली पढ़ो में जरूरी है, UK के अंदर UK प्लैब है, जर्मनी के अंदर जर्मन लैंग्वेज आपको सीखना पड़ता है, A1, A2, B1, B2 एंड C1 मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्लियर करना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई कंट्री गलत नहीं होती है, लेकिन आपकी ली गई अधूरी इन्फॉर्मेशन वो आपकी गलती है। आप बाद में दूसरे के ऊपर बोलेंगे कि भाई इसने मेरे साथ गलत किया, तो वो गलत बात है, आपने खुद से इन्फॉर्मेशन नहीं लिया है और उसका ये मिसयूज़ होता है। इससे बढ़ के और एक बात जो दी जाती है, जो स्टूडेंट को लालच दी जाती है, वो है MCA का कोचिंग या फिर USMLE का कोचिंग या फिर UK प्लेट का कोचिंग। लोग ऐसा बताते हैं कि वहाँ पे ये कुछ नहीं भी आपको एडिशनली प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे वो लोग उतने कैपेबल नहीं होते, वो लोग उनका 6 साल का सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे कि आपको अलग अलग कंट्री का कोचिंग। किसी भी कंट्री को खुद के एजुकेशन से प्यार होता है, तो दूसरे कंट्री का कोचिंग क्यों आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। वो चीज़ें सिर्फ आपको एक लालच दिखाने के लिए दी जाती है कि आप वहाँ पे जाके पढ़ाई करें। अदरवाइज कोई भी कंट्री के अंदर कोई भी एडिशनली कोचिंग प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इट्स जस्ट ओनली मार्केटिंग स्टंट। तो उससे भी आपको बचे रहना ज़रूरी है। वो सब कोचिंग आपको खुद से लेना पड़ता है, जो कि नॉन कंपनी है उसका मटेरियल लेके आप खुद से रीड कीजिए अगर आपको पढ़ने की लालसा है। हर एक पेरेंट अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचता है, लेकिन वो अच्छा सोचने की होड़ के अंदर आप कभी गलत डिसीजन ना ले, उसका खास ध्यान रखें। जो भी कंट्री में भेज रहे हो या इंडिया में इवन एडमिशन ले रहे हो, तो जो भी है जानकारी आप पहले ले लें, उसके बाद ही वो डिसीजन ले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो ये हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो हमारे दिए गए नंबर पे, जो कि है +917227044848, और दूसरा नंबर है +917303228282, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि है info@softamo.org। यस दोस्तों, इट्स info@softamo.org। आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट भी कर सकते हो, जो कि है www.softamo.org। फिर से रिपीट करता हूँ, इट्स www.softamo.org। एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। सप्तमो 2020 करके है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। इससे अधिक जानकारी जो भी चाहिए आप हमको कभी भी संपर्क कर सकते हैं।